तो अभी उठ चुके हैं भोला कुमार। तो ये देखिए मैंने नया मूली का पराठा, सुबह भी मैंने मूली वगैरह बना लिया था तो वो नहीं खाए थे तो उनका है। और ये है चटनी, पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया चटनी में। और इधर एक और बन रहा है पराठा, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है दूध गर्म करने के लिए। और ये है, ये देखिए थोड़ा सा जल गया है नीचे से कढ़ाई, बट ये नहीं जला हुआ। और यहाँ पे आटा रखा हुआ है मैंने। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करती हूँ कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए दूसरा क्या और करने के लिए दूसरा। तो ये मैं इसका चाय बना दूँगी इतने का, और इतना मैं दूध ले लूँगी क्योंकि मैंने सुबह भी चाय पिया था और बार बार चाय पीना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इसको मैं इधर रख दे रही हूँ फिलहाल, यहाँ पर रख दिया मैंने इसको। और ये घी का डब्बा था, अभी ठंडे के दिन में घी जमा हुआ रहता तो मैं ऐसे निकाल के और लगा देती हूँ और बस बन जाता है। और ये बन रहा है चाय, तो इसमें थोड़ा पानी भी तो डालना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसमें चाय, चीनी, अदरक वगैरह डालेंगे। और यहाँ पे हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है, लेकिन तीसरा अभी बिला हुआ नहीं है तो हम तीसरा बेलने जा रहे हैं। फोन रख के हमको बेलना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है क्यों।